हेलो दोस्तों, देसी किचन में स्वागत है आपका। और आज देसी किचन में बनने जा रहा है शकरपारे। इसको कई जगह खुरमा भी कहा जाता है। तो मैं छुहाड़े स्टाइल का शकरपारे बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। ये मैंने एक कटोरी मैदा ले लिया है। अब इस मैदे में हम लोग 3-4 चम्मच के करीब घी ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने घी ले लिया है, ये 4 चम्मच के करीब है। मैंने अभी थोड़ा सा डाला है और फिर बाद में और ज़रूरत पड़ने पे मैं ऐड करूँगी। ये देखिए, ये मैंने सारा घी इसमें डाल दिया और ये हमारा मोयन अच्छी तरह से लग चुका है। ये देखिए, ये मुट्ठी बन जा रही है मैदे की। इसका मतलब ये हमारा मोयन अच्छे से लग चुका है। अब इसको हम लोग हल्के गुनगुने पानी से इसका डो लगा लेंगे। इसका डो सख्ती लगाएंगे, क्योंकि डो का ही शकरपारा अच्छा बनता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम लोग इसका डो लगा लेंगे। ये देखिए, हमारा डो बिल्कुल लग चुका है। ये थोड़े थोड़े इसमें क्रैक दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें क्रैक दिखते हैं तभी वो अच्छा लगता है देखने में। तो ये हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसके शक्करपारे बना लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ मैंने तोड़ ली हैं इस तरह से। ये मैं आप लोगों को छुहारे की तरह बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने एक प्लास्टिक की टोकरी ले ली है। आप चाहें तो इसकी जगह सूप भी ले सकते हैं, सूप पे भी ये बढ़िया बन जाते हैं। और ये मैंने एक लोई उठाई और ये अंगूठे से मैंने प्रेस कर दिया इस तरह से। ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। इसको बच्चों को बनाने में बहुत मज़ा आता है। इस होली आप लोग ये बनाएं, बच्चे बहुत ही इंजॉय करके ये आप लोगों के साथ बनवाएंगे। ये देखिए, ये हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया शकरपारा। ये देखिए, अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। अभी इसको रख देते हैं, तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको कट करके भी आप लोग किस तरह से बनाए। ये मैंने एक रोटी बेल ली है, ये मोटी ही रोटी बेली है इस तरह से। और इसको हम लोग चाकू की सहायता से इसमें कट लगा लेंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में आप इसको कट लगा सकते हैं इस तरह से। इस तरह ये मार्केट में बनता है। और ये देखिए, मैं इसके कट लगा ले रही हूँ। ये इस तरह से मैंने सारे कट करके रख लिए हैं। तो चलिए हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने दोनों तरीके आप लोगों को दिखा दिए। और ये मैंने तेल रख दिया था पहले ही गर्म होने के लिए। और इसी में हम लोग सारे अपने शकरपारे फ्राई कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से सारे शकरपारे हम लोग इसमें डाल देंगे। और ये देखिए, ये अभी आप लोगों को थोड़ा दिखेगा कि चिपक रहा है, लेकिन जैसे जैसे फ्राई होगा ये अलग होते जाएंगे। आप लोग अभी तुरंत इसको किसी चीज़ से ना चलाएं, थोड़ा सा बस कढ़ाई हिलाते रहें। और ये देखिए, थोड़ी देर के बाद ये मैं चला के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, और इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम लोग 8 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से चलाते हुए ये हमारे अच्छी तरह से शक्करपारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम लोग किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए, इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। और इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और ये मैं दूसरा बैच भी डाल दे रही हूँ इसी में, उसको भी उसी तरह फ्राई करके हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए, दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया बिल्कुल। तो चलिए हम लोग चाशनी बना लेते हैं। ये मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ली है, इसमें एक कटोरी मैं चीनी डाल रही हूँ। और सेम उसी कटोरी से मैं आधी कटोरी के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैं आधी कटोरी पानी मैंने ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए हम लोग चीनी को अच्छी तरह से घुला लेंगे और इसकी एक तार की चाशनी हम लोग बना लेंगे। और इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसको तेज़ आंच पे भी आप लोग बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, तार इसमें बनने लगे हैं। इसमें जो हमने शकरपारे फ्राई करके रखे थे उसको हम लोग डाल देंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। और गैस हम लोग बंद कर देंगे बिल्कुल। और इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से चाशनी इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये अभी आप लोगों को गीला गीला दिख रहा होगा। और ये देखिए, ये हमारे शकरपारे पे किस तरह से ये चीनी कोट होने लगी।
और ये बिल्कुल हमारे शक्करपारे बनके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे दोनों तरह के शक्करपारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर जो मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हैप्पी होली।